हाँ, क्या नाम बोले है? थे मैं तेरा? क्या नाम है इधर बताओ, क्या नाम है? अमीर मोहम्मद। कहाँ के रहने वाले? चतराल। अच्छा, और ये इधर हो? इधर मुकर मंडी बावल दीन तहसील मलकवार सकना चाकरा। अच्छा, आपको ये लेके आए? जी। कहाँ से? ये लेके आया जनाब हैदराबाद से। क्या बोला आपको? मौला अली के दरबार से। कि क्या बोला इसने आपको? ये बच्चे उठाने के लिए आगे भी नहीं आपको तेरी कब बोला था बच्चे को तेरे कब बोला था छोड़ो पहनू कब बोला था बच्चे को तेरे को पहनू दा फुद्दा तेरी दा दिल्ली दिया बच्चा वो बोला मुझे इसने उठाया तेरे बच्चा तू लेके आया मैं लेके आया मैंने बच्चे का क्या बोला मैंने ये जगह देखा नहीं झूठ बोल रहा है बंदा खुदा की कसम इसका जैसा चेहरा इसने क्या बोला चलो ये लेके आ इसने आपको क्या बोला बोला था इसने क्या बोला आपको इसने मेरे को बोला रास्ते पे आए इसने एक नंबर को फोन नंबर लगा दिया इधर नईम नाम बंदा था उसको फोन करके बताया बोला नईम कौन है नईम कौन है बताना अभी कौन है वो बंदा वो सिंधी है सिंधी किधर रहता है करता है यार इधर उसका गांव है साथ उसने दो आदमी रखे हुए हैं और पहले तो कह रहा था मैं इधर आया हूं नईम ने दो आदमी रखे हुए हैं क्या काम उसका चाचू है वो भजन उनका कपास का काम है देख लिया वो गंदम लगाते हैं देख लिया मेरा भाई मैंने आज तक जगह जगह नहीं है वो नईम ने नईम को आपने फोन किया हाँ मैंने गंदम का काम कपास चुनने के लिए भाईजान अच्छा गंदम नहीं कपास फिर आपने इसको क्या बोला कपास चुनने चलते हाँ जी पहले बोला इसने इस साले बड़वे ने रस्ते में मुझे बताया क्या बताया कि ये वाला काम जो आगे आपको बताया है अच्छा क्या बताया इसने बच्चे उठाने वाला और कितने पैसे 50,000 रुपया यार ये साला झूठ बोला एक बंदा लंगर पे खाने वाला वो 50,000 वो सही बोल रहा है इसकी आंखें देख झूठ बोल रहा है खुदा की कसम झूठ बोल रहा है बंदा तुम्हारे जेब से निकली है वो एक शीशी है और एक चाकू कुछ शीशा नहीं है मेरा चाकू भी नहीं है इसके पास था छुरी इसके पास चाकू मेरे पास नहीं लड़ो ओए लड़ो नहीं लड़ो नहीं लड़ो नहीं ओए लड़ो नहीं लड़ो नहीं झूठ बोल रहा है बंदा चाकू किससे निकला यार जिसने निकाला वही बताए वो बताए ना किस 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 चाकू का मालिक का मेरे से चाकू मेरे को खुदा की कसम मेरे से नहीं निकला है बस मेरे से शीशे बात सुनो शलशम तेल का निकला हुआ है इधर कैसे पहुंचे इसने मेरे को लाया इधर इनके घरों में क्यों घुसे हो तुम घुसे रास्ते मालूम नहीं था ना कभी उधर लेकर जाता था कभी इधर लेकर आता था इनके घरों में क्यों घुसे थे बताना रास्ता नहीं मालूम था इसलिए रास्ता कसम से कहाँ जाना था आपको हमने इधर जाना था साथ ही वो गांव है मैं कहता हूँ मैं ले चलता हूँ आपको वो अगर आपको ना बताए तो फिर जो मर्जी है मुझे डांड लगा बेशक छुरी फेर देना इससे आगे बात खत्म हाँ ठीक है अब क्या तुम दोनों जो एक जोड़ी बन गई तुम्हारी तुम इधर आए इस गांव में परे घरों में घुसे हो ये बोला है मुझे इसने 50,000 रुपए बोले थे कि